सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप कुछ इस तरह कमाल का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने से पहले आपको करने क्या है, इस वीडियो कर देना आपको एक लाइक, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा डाला गया इसी तरीके के नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना कैनवा स्टोर ओपन कर लेना है, और कैनवा स्टोर ओपन करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना और एडिटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी सभी फोटो ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस जो भी आप फोटो ऐड करना चाहे तो आपको इस तरीके से अपनी सभी फोटो को ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इन सभी फोटो को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपनी सभी फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको टिक कर लेना, और टिक करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको अपनी फोटो के ऊपर क्लिक करना है, और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इक्वल करके इसको इस तरीके से अपनी फोटो को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से टिक कर लेना, और फिर से आगे की ओर जाना है। आगे आपकी जो भी फोटो सही से सेट ना हो, तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से अपनी फोटो को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इन फोटो को सेट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से सेट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। तो स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सिंपली इस व्हाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको गेट मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये वाला जूम इन जूम आउट वाला ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपको इसके ऊपर क्लिक करना हो, यहाँ पे पहला वाला ट्रांजेक्शन दे देना है। देने के बाद जैसे आपको फिर से आने वाले व्हाइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से जूम इन जूम आउट वाले पे जाना है। तो यहाँ पे आपको ये दो नंबर का सिलेक्ट कर देना, और दो नंबर पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपको अगले वाले पे क्लिक करना है और नीचे की ओर जाना, और नीचे को जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फंड ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से अगले वाले पे क्लिक करना, और यहाँ पे ये ट्रैवल वाले पे जाना, और इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और सिंपली टिक कर देना। टिक करने के बाद गाइस आपको अगले ट्रांजेक्शन ऊपर से जाना, और जूम इन जूम आउट वाले पे जाके इस तरीके से यहाँ पे आपको पहला और दूसरा यहाँ पे दे देना है। देने के बाद गाइस आपको करना क्या है, इन सभी फोटो का साइज कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से इनको छोटा कर लेना है। गाइस आपको अगर वीडियो बड़ी बनानी है तो गाइस आपको यहाँ पे अपनी फोटो को और लगानी है, और अपनी फोटो का साइज बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस मैं छोटा वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको अपनी फोटो का साइज छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए गाइस आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे 1080 इसको सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। और जैसे ही ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो गाइस आपको मैं अगला प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो बन के सेव हो गया है। सेव होने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस वाली पिक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सिंपली नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना और उसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, इसको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस आपको इसको टिक कर लेना है, और टिक करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको सिंपली लेयर पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको अपने ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना और उसको इनेबल कर देना है। आपको इनेबल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला गोला सिलेक्ट कर लेना है, और गोला सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कट कर ले रहा हूँ, तो आपको भी अपने हिसाब से इसको अच्छे से यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो के हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कट बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे गाइस आपको हल्का सा और बड़ा गोला बना लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से कट कर देना है। कट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से ओके कर देना है।
ओके करने के बाद गाइस आपको इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना, और इस वीडियो को क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइस थ्री डॉट पे क्लिक करना और इसको सेंड बैक कर देना है। सेंड बैक करने के बाद गाइस आपको सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला लेंस पीएनजी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद गाइस आपको नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना और इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली ऑडियो एनिमेशन पे जाना और यहाँ पे इस वाले पे सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इसका साइज आपको लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के बाद गाइस आपको फिर से स्टार्टिंग पे आ जाना और फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला रेड वाला लेंस ऐड कर लेना, तो इसको भी आप इस तरीके से ऐड कर लेना, और इसको भी नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको इसके भी ऑडियो एनिमेशन पे जाना और इसको यहाँ पे फ्लिकर पे सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इसको लास्ट तक कर देना, और लास्ट तक करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से आगे इस वाले टेम्पलेट वीडियो को डाउनलोड कर लेना और उसके इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इसका आईडी यहाँ पे आपको म्यूट कर देना है। आईडी म्यूट करने के बाद गाइस आपको नीचे यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लास्ट पे जाना और टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, कैची का ऑप्शन पे जाना और ट्रिम टू ऐड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर लेना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे वाली पिक सिलेक्ट कर लेनी है। इस पिक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आके इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर देना और नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना, और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेना और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको सेंड बैक कर देना है। सेंड बैक करने के बाद गाइस इसका साइज लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाली फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेनी है। तो फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के बाद गाइस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस आपको इसका साइज लास्ट तक ले जाना है, और लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस आपको इसकी स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सिंपली एक ऑडियो ऐड कर लेना है। ऑडियो ऐड करने के लिए आपको अपने ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना है, और ऑडियो पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे आप भी जो भी ऑडियो ऐड करना चाहे तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, और उसको लास्ट तक ले आने के बाद गाइस आपको इसकी ऑडियो ऊपर क्लिक करना और कैंची के ऑप्शन पे जाना और ट्रिम टू ऐड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का ऑडियो कट कर लेना है। कट करने के बाद गाइस देख सकते हो ये वीडियो बनके कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो इसको सेव करने के लिए गाइस आपको करने का है, सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप 1080 रेशियो सिलेक्ट कर लेना, ब्राइटनेस हाई कर लेना और इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे ही लाइनिंग पूरा हो जाएगा तो गाइस आपका वीडियो बनके गैलरी पे सेव हो जाएगा।